আসসালামু আলাইকুম, হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সাহানাজ মাল্টি কুইজিন ফুড। আজ আপ সবিকে সাথ এক সুইট অর স্পাইসি কারি রেসিপি শেয়ার করুঙ্গি। ইয়ে কারি খানে মেয়ে বহুত হি টেস্টি হতা হ্যায়। কলকাতা মেয়ে সুবহ হালওয়াই কি দোকান মেয়ে ইয়ে কারি মিলতা হ্যায়। ইসে পুরি কে সাথ সার্ভ কিয়া জাতা হ্যায় আর ইসে বানানা বহুত হি ইজি হ্যায়। আই হোপ আপ সবি কো পসন্দ আয়েগি ইনশাল্লাহ। তো চালিয়ে স্টার্ট করতে হ্যায়। তো দেখি ইয়া পর হামনে হাফ কাপ মটর ডাল ইয়ানি কি ড্রাইড পিস লিয়া হে আর ইস মটর কি ডাল কো মানে সোক করকে রাখি থি উসকে বাদ আচ্ছি তরহ সে ধো কে পানি কে সাথ লে লিয়া হে। আব ইসমে হাম স্বাদ অনুসার নমক অ্যাড কর দেঙ্গে, কাশ্মীরি চিলি পাউডার অ্যাড কর দেঙ্গে 1 টিস্পুন আর থোড়া সা রিফাইন্ড অয়েল অ্যাড করকে মিক্স কর দেঙ্গে। अब हम ढक्कन लगा के इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे जब तक दाल पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो देखिए अभी दाल हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। তো আবি এক প্যান মে 1 টেবিল স্পুন কে কারি মাস্টার্ড অয়েল গরম কর লেঙ্গে। তেল জব গরম হো জায়গা উসমে 1 টিস্পুন কালঞ্জি ইয়ানি কি কালা জিরা অ্যাড কর দেঙ্গে, 2 সুখি লাল মির্চ কো তোড়কে অ্যাড কর দেঙ্গে আর 2 তেজপাত্তা অ্যাড কর দেঙ্গে। আব 2 টিস্পুন সৌঁফ ইয়ানি কি ফিনেল সিডস কো হামনে ক্রাশ করকে অ্যাড কর দিয়া হ্যায়। अब हम 1 टीस्पून हींग ऐड करके कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। अब 1 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करके इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर या फिर नॉर्मल चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। अब 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून ड्राइड मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। अब सब कुछ अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। स्वाद अनुसार नमक भी हमने ऐड कर दिया है। अब हल्का फ्राई कर लेंगे इसे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके 4 से 5 मिनट तक मसाला को बहुत ही अच्छे से हम भूनेंगे। अब देखिए छिलके के साथ हमने आलू को इस तरह से छोटे छोटे डाइस में कट कर रखी थी, ये ऐड करके 2 से 3 मिनट तक मसाला के साथ हम भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज आलू लिया है। तो भूनने के बाद पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करके पैन को कवर करके रखेंगे जब तक आलू पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता जैसा आप देख रहे हो। तो देखिए आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब कुछ आलू को स्पून के मदद से इस तरह से हम मैश कर देंगे जैसे आप देख रहे हो। तो देखिए हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ दाल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देंगे। ये थोड़ा मीठा मीठा होता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो। अब 2 टीस्पून रोस्टेड मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इस मसाला पाउडर में जीरा है, सूखी लाल मिर्च है और इलायची है और लौंग है। अब सब कुछ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी हम ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और पैन को कवर करके लो फ्लेम के ऊपर कुछ मिनट्स के लिए पैन को छोड़ देंगे। तो देखिए अभी आलू की तरकारी हमारा रेडी है, अभी हम गैस को बंद कर देंगे। और इस कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं होता है, गाढ़ा भी नहीं होता है, फिर भी आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग थिकनेस को ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो चलिए आप गरम गरम सर्व कर देते हैं। तो आप इस करी को रोटी पूरी लूची के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप इसे डिनर में भी खा सकते हो और ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। एक हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही लाइट है, इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं है और बहुत ही टेस्टी होता है। कोलकाता हलवाई स्टाइल स्वीट एंड स्पाइसी आलू की तरकारी बिल्कुल रेडी है। तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर जरूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।